इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका नाम प्रिंट करना है, मेन में प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेन के अंदर नॉर्मल प्रिंटिफ लिख देते हैं, और जो भी आपका नाम है मैंने लिख दिया के। ठीक है, अब इतने से के प्रिंट हो जाएगा। अब लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो उससे पहले स्टार्स प्रिंट करना है 9 टाइम्स, और ये 3 लाइंस आनी चाहिए। और ये कैसे करना है, यूजिंग अ फंक्शन। तो यानी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, void stars नाम से मैंने बना लिया, आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं। कहाँ बनेगा, मेन के नीचे बनेगा, मेन के अंदर नहीं बनेगा। और अगर एक स्टार प्रिंट कराना होता तो मैं सिंपल लिख देता प्रिंटिफ डबल कोट्स में स्टार। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे ये 9 टाइम्स प्रिंट कराना है, और मुझे पता है जब भी कोई काम बार बार रिपीट कराना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एक लूप में डाल सकते हैं। तो मैंने आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दिया, एंड आई लेस देन इक्वल टू 9 तक, आई प्लस प्लस, क्योंकि 9 ही स्टार्स प्रिंट कराने थे। और इसे इसके अंदर कर देते हैं, लूप के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, और इस फंक्शन को सिर्फ डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कॉल भी करना पड़ेगा, स्टार्स। ठीक है, अब आप इसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो एक लाइन में 9 स्टार्स आ जाएंगे। लेकिन 9 स्टार्स आने के बाद में, मैं एक बार इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको, वार्निंग दे रहा है, फंक्शन स्टार शुड हैव ए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब आपको पता ही है कि इसे मेन से पहले हमें एक बार प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, void, क्या नाम है फंक्शन का, स्टार्स। इस तरीके से आप दे दीजिए, अब कंपाइल कीजिए और रन कीजिए। तो देखिए, एक बार 9 स्टार्स आ गए, और उसके आगे आ गया के। लेकिन हमें क्या करना है, उसके बाद के नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टार्स प्रिंट करने के बाद यहाँ पर, क्योंकि स्टार्स 9 प्रिंट हो चुके होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश एन। ठीक है, आप कंपाइल करें, रन करें, ये देखिए। लेकिन ये एक लाइन नहीं चाहिए, हमें कितनी लाइंस चाहिए, 3 लाइंस। तो एक तो तरीका था कि आप इसी लूप को 3 बार चला दें, इसी लूप को। लेकिन उससे होगा ये कि मैं चला के भी दिखा देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया होता कि ये काम मुझे 3 बार रिपीट कराना है, तो मैंने जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 4, जे प्लस प्लस, अगर मैंने ऐसे कर दिया होता, तो क्या होता, ये देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये बाहर वाले लूप की ब्रैकेट क्लोज, थोड़ा इसे अंदर अंदर कर देते हैं, ताकि क्लियरली पता लगे, ये है इसकी ब्रैकेट, प्रिंटिफ अंदर जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रिंट तो रिजल्ट तो सेम आ जाएगा, अगर आपने इसे कंपाइल किया और रन किया। देखिए, 4 टाइम्स आ गया, क्योंकि इक्वल टू 4 तक चला दिया है, आप इसे इक्वल टू 3 कर दें। ठीक है, तो 3 तक आ जाएगा। लेकिन हमें के बाद भी प्रिंट कराना है, तो अगर मैंने यहां पर कॉल कर दिया स्टार्स, तो ये नीचे भी सेम ही प्रिंट करेगा, ये देखिए, ये देखिए, के बाद भी ये 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, और के से पहले भी, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के बाद कितनी बार आने चाहिए, सिर्फ 2 लाइनें आनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये के साथ प्रिंट कर रहा है, जबकि हमें के बाद चाहिए, तो यहां पर स्लैश एन दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब मैं यहां पर लूप नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, और मैं क्या कर सकता हूं इसकी जगह पर,
क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो फंक्शन क्रिएट किया गया है उसे कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो अब ये 9 टाइम्स प्रिंट करेगा क्योंकि बाहर वाला लूप हटा दिया है, सिर्फ 9 स्टार्स प्रिंट करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्स इसे दूसरी बार कॉल करूंगा तो दूसरी लाइन प्रिंट कर देगा, स्टार्स अगर तीसरी बार कॉल करूंगा तो तीसरी लाइन प्रिंट कर देगा। ऐसे ही मुझे नीचे 2 बार करना है तो स्टार्स नीचे 2 बार कॉल कर दूंगा। फंक्शन भी दूसरा नहीं बना सकते क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एक ही फंक्शन बनेगा मेन के अलावा। सो दिस वुड बी द ओनली सॉल्यूशन जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कंपाइल कर दीजिए, रन कर दीजिए, ये देखिए। क्लियर, यस और नो? आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।